गाड़ी क्रमांक 12,723 हैदराबाद डेक्कन नामपल्ली नई दिल्ली तेलंगाना एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ रही है। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ हैदराबाद से न्यू दिल्ली। अब इतना लेट हो गया था, भागते भागते आना पड़ा। सो ट्रेन नंबर इज 12723। आपको इस वीडियो में पूरा ट्रेन का एक्सपीरियंस देने वाला हूँ। तो भाई जर्नी 25 आवर्स की होने वाली है एंड इस ट्रिप पे मेरे साथ जाने वाली है मेरी नानी। सो या भाई अपनी ट्रिप होने वाली है 10 दिन की। अमेजिंग वीडियोस आने वाले, लॉन्ग शॉर्ट पूरा आने वाले आ गए कंटेंट। भाई अभी बज रहे सुबह के 6:02 एंड फाइनली ट्रेन डिपार्चर हो चुकी है। ट्रिप की शुरुआत तो हो चुकी थी बट अब अगले सेशन पे मेरी नानी आने वाली थी। भाई अभी बस ट्रिप स्टार्ट हुई है एंड नानी और एक्चुअल में लेट चल रहे हैं। सो नो आइडिया कब आएंगे। लेट्स सी क्या सीन रहने वाला है। आज मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ, मेरे साथ नानी भी ट्रैवल करती है। मैं वहाँ जाके ठहरा ही होता हूँ। इतने में आ जाते हैं हमारे खलील भाई। भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा हूँ यहाँ पे, जाके फॉलो करो। रेस्लर है भाई अपने। और बस 2 ही मिनट में हमारी बातचीत हो गई शुरू। भाई फाइनली मामा और पहुँच चुके हैं। मतलब मैं अकेला ट्रैवल नहीं करने वाला। और बाकी सब ठीक था बट मेरी और नानी की टिकट RAC में थी। अब RAC का मतलब है एक सीट को आधा शेयर करना। 48 ये है, सामान तो नीचे ही रखूंगा ना मैं। तो भाई मेरा ऑलरेडी था। चलो कोई ना, एक जगह से बैग दूसरी जगह रखा ही था। इतने में ये अंकल भी ऑब्जेक्शन करने लग गए एंड बस सामान मुश्किलों से सेट करके बैठे होते हैं। इतने में ये अंकल की स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। हंसी इस चीज की आ रही थी कि 2 मिनट में कंट्रोवर्सी वाला माहौल बातचीत ना बदल गया। सो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं एंड हमारे साथ है हमारी नानी की ट्रिप पे जाने वाली है। और नानी बढ़िया बढ़िया था जब वो सीट में लग गया। भाई द वर्स्ट पार्ट इसकी, हमारी दोनों की सीट RAC में है। भाई होप फॉर द बेस्ट, TTI और कोई सीट मिल जाए तो रात में सोने का जुगाड़ हो जाए। अब मैं अपनी सीट की टेंशन में लगा हुआ था और सभी लोग अपनी सीटों पे सेटल होने में लगे हुए थे। भाई सनराइज देखो पीछे कितना मस्त आ रहा है। बस सनराइज दिखते ही मैं चले जाता हूँ गेट की तरफ। अब हमारे डिब्बे में सभी को पता चल चुका था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। अब खिड़की पे बैठे बैठे टाइम बीतता गया और सभी लोग सोने लग गए। नींद तो मुझे भी आ रही थी बट मेरे पास तो सीट ही नहीं थी। बैठे बैठे नींद आ ही रही होती है। इतने में मैं ले लेता हूँ एक चाय। गरम है। भाई ये रेलवे वालों को अपनी चाय पे काम करना चाहिए। मतलब हर चीज़ ठीक ठाक है बट चाय सबसे बकवास रहती है रेलवे की। टेस्ट 3/10। मैं बैठे बैठे अंदर बोर होने लग गया था। बोला थोड़ी देर आके घूमने लग जाऊँ। सब लोग सो गए, एक्चुअली में नानी भी सोने वाले हैं। सो चाय पीकर बैठे बैठे मैं बोर होने लग जाता हूँ। तो मैं निकल गया अपना बेस्ट पॉइंट द गेट पॉइंट की तरफ, जिधर खड़े खड़े आप डिफरेंट लैंडस्केप्स को एंजॉय कर सकते हो। अब एक ट्रेन की जर्नी में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। एक जो पूरा टाइम सोते रहे, दूसरा जो पूरा टाइम फोन चलाता रहे, तीसरा जो इधर से उधर डोलता रहे, चौथा फैमिली टाइप जो पूरा दिन कैं कैं करता रहे, और 5वां अंकल के जैसा क्यूरियस जो इधर से उधर देखते रहे। अब सभी लोग अपनी आधी नींद करके उठ गए थे बट मेरी नींद का तो कोई अता पता ही नहीं था। द वर्स्ट पार्ट इसके सब लोग अपना सो रहे मस्त और मैं यहाँ पे अपनी वीडियो एडिट कर रहा हूँ। कोई मूवी डाउनलोड नहीं कर पाया जल्दी में, ना कोई मूवी डाउनलोड करा, ना सॉन्ग्स है मेरे फ़ोन में, मतलब तो कुछ भी नहीं है। बस वीडियो के एडिटिंग के रिलेटेड इस पूरा सामान पड़े हुए है। अब नींद का तो पता नहीं था पर भूख जरूर लगने लग गई। फटाफट मैं और नानी मिलके खाना खाने लग जाते हैं। ट्रेन में इस व्यू को देखते देखते एंजॉय करते हुए नानी के साथ खाने का मज़ा ही अलग था। बस अब खाना खाया और नींद आउट ऑफ कंट्रोल होने लग गई। दूसरी तरफ इस बच्चे की आवाज़ से सभी लोग डिस्टर्ब थे बट कुछ देर के बाद मैं किसी रैंडम बंदे की सीट पर जाके सो जाता हूँ। मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। अब नींदों में से उठकर आकर मैं बैठा ही होता हूँ। इतने में मेरी नानी मुझे ऑफर करती है एक एप्पल और कुछ देर बाद हमारी एंट्री होती है नागपुर में। So guys, finally we are at नागपुर। भाई एक चिप्स का पैकेट दो ना और एक चाय भी दो। कितना? भाई चाय का टेस्ट इज ओके बट चाय से गर्म तो अपने भैया लग रहे थे। मतलब बोल रहे कि वीडियो मत ले, मेरी शक्ल नहीं आनी चाहिए। पता ही नहीं आजकल लोगों को क्या हो गया भाई, कैमरे में आने से सब लोग डर रहे हैं आजकल। मतलब किसी को कैमरे में आने की खुशी नहीं है किसी को। अब भैया की ये बात सुनकर मेरा मूड थोड़ा डिसअपॉइंट तो हुआ बट मैं बैठे बैठे अपनी चाय एंजॉय करने लग जाता हूँ। भाई एक्चुअल में अभी मैं सोया था तो पीछे से TT आके बता के गया कि मेरी सीट नंबर है 5। एक्चुअल में कन्फर्म नहीं हुई थी। सो मतलब रात का सोने का जुगाड़ हो गया। अब ये टेंशन नहीं है। नागपुर से ट्रेन निकली होती है, हम खड़े होते हैं गेट के पास। इतने में बात होती है मेरे और दो तीन भाइयों से। ट्रेन का मज़ा बस यही होता है कि आप नए नए लोगों से मिलते हो, नई नई बातचीत करते हो, लॉट्स ऑफ नॉलेज गेन करते हो। कुछ देर तक बातचीत करने के बाद मैं सभी से अपना चैनल भी सब्सक्राइब करा लेता हूँ। भाई अभी बजे शाम के 6:58 और नानी इतनी जल्दी खाना खाने निकाल के खाने में अपना मस्त गाजर मटर आलू। पता नहीं मेरी किस्मत में खोटता है हमारे डब्बे की किस्मत में, बिल्कुल मेरे पैरों के पास ही आके गिरी है अंडा बिरयानी। अब दिक्कत एक ही थी कि हमारी कैबिन में मेजोरिटी ऑफ द पीपल वेजिटेरियन ही थे। अब खाना खाकर हम लोग हमारा टमाटो सूप एंजॉय कर ही रहे होते हैं। इतने में आ जाता है हमारा आज रात का आखिरी स्टेशन। भाई अभी बज रहे रात के 10:07। अब जाके हमारी ट्रेन भोपाल पहुंची। सो भाई मैं ले लिया रात में स्प्राइट, मस्त पी के सोएंगे अभी। भाई अभी बज रहे रात के 11:17। अब जाके लिटरली नींद आ रही, तो मिलते हैं आपसे सीधा कल सुबह। भाई अभी बज रहे सुबह के 8:22 एंड अब जाके मैं मतलब थोड़ा रेडी होके बैठा मैं। एंड भाई बाहर फॉग चेक करो आप लोग, मतलब इस टाइम पे भी बाहर इतना फॉग रहता है। और अपने भाई मिले अपने आप को। और भाई आपका नाम? मेरा नाम नूर खान। नूर खान कहाँ से हो? मैं दिल्ली से, गीता कॉलोनी से। ओके। चाय 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 सुबह होते ही चाय इज मैंडेटरी। सो फर्स्ट अपनी आज के दिन की फर्स्ट चाय। चेस भाई जस्ट टू लेट यू नो अभी हमारी टाइम हो रहा 9:18। हम लोग का ट्रेन पहुंचने का टाइम था सुबह 7:40 को। बहुत जने इंटरकनेक्टेड ट्रेन बुक करे थे, लाइक 7:40 को पहुंचते मतलब 8:30 के ऐसा बहुत जने ट्रेन बुक करे थे आगे की, बट बहुत जनों का प्रॉब्लम आ रही। मतलब आप लोग देख लो, क्योंकि ये तेलंगाना एक्सप्रेस पिछले लाइक 1 मंथ से डिले ही चल रही है। डेली डिले हो रही ट्रेन, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे, डिपेंड्स अपॉन मतलब अलग अलग। सो आप लोग भी मतलब ध्यान रखो, मतलब कभी आप लोग जैसे ट्रैवल करो तेलंगाना एक्सप्रेस से तो मोस्टली आप लोग मतलब थोड़ा लेट की बुक करो नेक्स्ट ट्रेन जो बुक कर रहे हैं आप लोग कहीं की भी आगे की। भाई अगर ये नाला आ गया मतलब समझ जाओ कि निज़ामुद्दीन आ गया। पता नहीं ये ट्रेन का रास्ता कब चले गया, बट इस रास्ते में इतने सारे दोस्त बनाकर मुझे बहुत खुशी मिली। और देखते देखते हम लोग पहुँच जाते हैं नई दिल्ली। आगे का पार्ट आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखना। इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पर तो भाई सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।